गुड मॉर्निंग। लेक्चर फर्स्ट में चलेंगे, एक्सरसाइज 8.2 है आज। सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें से काफ़ी बार बोर्ड में क्वेश्चन रहा, अभी 2-3 साल से तो नहीं आ रहा है बट आ जाता है। टेंजेंट नॉर्मल में बहुत बार रहा है, क्वेश्चन बन सकता है। जो बोला कर पॉइंट टॉपिक में से एक है टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट मतलब लाइन, नॉर्मल भी एक लाइन होती है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन से लिंक होगा। तो सारा जो प्लस वन की स्ट्रेट लाइन है उसका इसमें करता धरता है, तो वो वाला बात अगर याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कराऊंगा, देख लो। तो सबसे पहला रिजल्ट या कह लो बात समझने वाली जो ये कर्व होती है, आपके पास कोई भी फंक्शन या कर्व दी हुई होगी, कहते हैं एक पॉइंट है जहाँ से एक लाइन पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड हम टेंजेंट बोलते हैं, जिसको हम टी बोलेंगे यहाँ पे, और उसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर और पास होता है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल जिसको हम एन बोलते हैं, तो एक ही बात है। ये कोई भी आपके पास कर्व दे रखी है, वाई इक्वल्स टू कर्व दे रखी है, फंक्शन दे रखा है, एक ही बात। जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके बोला, टेंजेंट के। पर हर परपेंडिकुलर नॉर्मल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। क्या मतलब बता रहा हूँ, उससे पहले जो बात इसमें पूरे टॉपिक में पहली बार समझने वाले, जो पॉइंट दिया हुआ है पी एक्स वन, इस पॉइंट की बात कर, ये एक्स वाई मानो, एक्स वन वाई वन मानो, ए बी मानो, कुछ भी मान सकते हो, आप भी समझते हो। ये जो पॉइंट की बात कर रहा है, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, एक्स वाई वाला जो पॉइंट, जो ये पॉइंट होगा वो कॉमन होगा, कॉमन जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, कॉमन किस किस पे कॉमन होगा, सोचो जरा। जो पॉइंट दिया हुआ है पी एक्स वाई, ये कॉमन पॉइंट है, किस पे, कर्व पे भी लाई करता है, टेंजेंट पे भी लाई करेगा और नॉर्मल पे भी। जो पॉइंट दिया हुआ है पी इज अ कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट लाइज ऑन, किस पे लाइज कर रहे हैं, कर्व पे, टेंजेंट पे एंड नॉर्मल। देयरफॉर सेटिस्फाइज करेगा ऑल द थ्री क्वांटिटीज। तीनों की तीनों क्वांटिटीज को सेटिस्फाई करेगा। मेरा मतलब ये जो पॉइंट होगा वो इस पे भी लाई कराना चाहे, किसी क्वेश्चन में लाई करा देंगे, कोई टेंशन नहीं करें, सोचेंगे ये पॉइंट चेक करना हो तो टेंजेंट में भी पुट करा सकते हैं, ये पॉइंट चेक करना होगा तो नॉर्मल में भी करा सकते हैं। वो कह रहे हैं दुनिया का हर परपेंडिकुलर नॉर्मल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरा मतलब ये है, ये मान लो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, पर नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल है बट नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, नहीं, ये नॉर्मल भी है, परपेंडिकुलर भी है, ऑर्थोगोनल भी है। तो नॉर्मल हर नॉर्मल परपेंडिकुलर हो सकता है, पर हर परपेंडिकुलर नॉर्मल हो ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना होता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में, नॉर्मल ईच नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर बोल लो या ऑर्थोगोनल बोल लो, एक ही बात है। बट वाइस नॉट वाइस वर्सा, वाइस वर्सा नहीं, मेरे कहने का मतलब हर परपेंडिकुलर नॉर्मल हो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन। सबसे पहला रिजल्ट, ऑब्वियस ही बात है, कर्व को टच बाद में जुड़ जाना, चाटते रहना एक दूसरे को, छोड़ देंगे पूरे कमरे ऊपर दे देंगे, बाद में करना जुड़ना। टेंजेंट दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो ये पॉइंट तीनों के कॉमन है, बात समझनी है। क्वेश्चनों में कभी मैं इस पॉइंट को यहाँ पुट करा दूंगा कर्म में, किसी क्वेश्चन में टेंजेंट में, किसी में नॉर्मल में, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना कि सर मैं किस क्वेश्चन में क्या कराऊंगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। पर ये बात की समझ होनी चाहिए, तीनों को सेटिस्फाई करता है, जो समझ थी वो टेंथ तक भी समझ थी आपको, ये पॉइंट तीनों पे है,
प्लस वन या प्लस टू में ये समझ रखनी है कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट इसमें रखूं, ये पॉइंट इसमें रखूं, टेंजेंट में ये पॉइंट नॉर्मल में रखूं। तो ये समझ है सिर्फ प्लस टू की, जबकि ये नहीं समझ आना प्लस टू में क्या कि ये पॉइंट तीनों कॉमन है, तीनों को सेटिस्फाई करेगा। ये तो आप प्लस वन से भी लेके आ जाते हो, टेंथ से भी लेके आते हो अपनी जेब में। बट ये वाली बात आप जब क्वेश्चन को करोगे तो क्या आप ये पॉइंट सही जगह पुट करा रहे हो, आंसर निकल रहा है कि नहीं, उस चीज पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला स्लोप है तो पहला रिजल्ट है आपका स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी का भी स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ लाइन का निकालते हैं, टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है, तो स्लोप निकालना है। एम से नोट करते थे तो स्लोप हम कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो डी वाई बाई डी एक्स से भी स्लोप निकलता है, स्लोप निकलता है टेन ऑफ एंगल से भी निकलता था। पहला बार स्लोप निकाला हुआ आपने टेन थीटा से। अगर एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉक में जितना एंगल बनाती थी उस एंगल को हम स्लोप एंगल बोलते थे। अगर एक लाइन दो पॉइंटों से पास होती थी तो स्लोप हम निकालते थे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन। तो इसमें सारे फॉर्मूले यूज होंगे, किस क्वेश्चन में क्या यूज होगा वो तो मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तीसरी बात है अगर एक लाइन की इक्वेशन दी होती थी बी एक्स सी इक्वल टू जीरो तो इसका स्लोप हम निकालते थे माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई से, माइनस ए बाय बी से। स्लोप निकालने का एक और भी तरीका पता ही है जो रोज सिरम में भी हमने किया हुआ है, डी वाई बाय डी एक्स से डिफरेंशिएट करा दो तो स्लोप आ जाए। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट कराना आता होता तो इसका स्लोप आ जाता ए बी सी की जीरो। तो यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स निकाल लो माइनस ए बाय बी, वही है जो ऊपर का हुआ है माइनस ए बाय। तो इसका मतलब स्लोप हम किसी भी तरीके से निकालेंगे, ऑब्वियस ही बात है देखें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, टू पॉइंट फॉर्म दी हुई है कि लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो स्लोप को हमें निकालने का जो तरीका होता है नोट है इसमें, जो स्लोप होगा स्लोप है कॉम टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं। y2 ये सारे स्लोप ही बताते हैं, डिपेंड करता है डी वाई बाई डी एक्स से भी बताते हैं। कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ Another name of slope is gradient. अगर कोई स्लोप ना पूछ के ग्रेडियंट पूछेगा तो घबराना नहीं है, ग्रेडियंट तो स्लोप ही होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्रेडियंट पूछे या स्लोप पूछे एक ही बात। तीसरी बात, कर्व के पास कोई अपना स्लोप नहीं होता, स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट ही कहलाता है एट ए गिवन पॉइंट पे। सिंस कर्व है नो स्लोप, बट स्लोप ऑफ कर्व अगर कभी हमें निकालना पड़ता है जैसे यूज करते हैं, एक कर्व का स्लोप निकालना है, मान लो ये एक्स है ये वाई है, ये कोई कर्व जा रही है y इक्वल टू एफ एक्स, मुझे इसका स्लोप निकालना है कर्व का, तो ये एंगल मैयर नहीं कर सकते ना, ये नहीं होता थीटा, ये किसके बराबर होता है इज इक्वल टू, इस कर्व के ऊपर गिवन पॉइंट कोई दिया होगा, ये कर्व जा रही है, ये पॉइंट पी एक्स वाई गिवन है, ये गिवन होना चाहिए, गिवन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हो सकता है, उस पे टेंजेंट प्लॉट करो तो जो इसका स्लोप कहलाएगा वही कर्व का स्लोप होता है, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। कर्व के पास कोई अपना स्लोप नहीं होता, स्लोप ऑफ कर्व कर्व को गोल अपना स्लोप रखता है नहीं,
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। एट अ गिवन पॉइंट कौन सा गिवन पॉइंट जो भी क्वेश्चन में दिया होगा पी एक्स। तो कहने का मतलब हमें कर्व का स्लोप निकालना होगा। जैसे एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट ही इसको समझाता चलो, इस नोट को समझाते चले साथ साथ। एग्जांपल फाइंड करने स्लोप निकालने किसी भी कर्व पे। चलो मैं पहले ही समझाता हूँ, बहुत कई क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व ही निकालना पड़ जाता है हमारे को एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पे। कभी ऐसे पूछे फाइंड करो स्लोप ऑफ टेंजेंट का पूछ रहे टू द कर्व पे y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x एट x इक्वल टू 2 पे। सॉल्यूशन तो क्वेश्चन में हमें कर्व दे रखी है, देखो ध्यान से y इक्वल्स टू पूछा क्या गया स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा गया, एक टेंजेंट का स्लोप पूछा गया जहां पे x कितना है 2 है। y तो जितना मर्जी निकाल भी सकते हो, x को 2 यहाँ पुट करा दो तो y भी आ जाएगा उसे। अगर आप पुट करा दो x को 2 इन 1 में पुट करा दो x को 2 इन 1 में तो y की वैल्यू भी आ जाएगी क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा सेटिस्फाई करेगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो पॉइंट कितना आ गया 2 कमा। चाहिए क्या टेंजेंट का स्लोप दिया क्या हुआ है कर्व दे रखी किस पॉइंट पूछा गया 2 कमा 4। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करा लो और तो कुछ दिए ही नहीं। वाह कर्व की इक्वेशन ही तो दी हुई है, ये नहीं कर्व की इक्वेशन। तो वही बोला मैं कर्व की इक्वेशन क्या दी है आराम से देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कराऊंगा विद रिस्पेक्ट टू x से तो ये आ जाएगा dy / dx 3 बार सीधा ही कर देता हूं 3 टू द 6x माइनस 4। ये डिफरेंशिएट कराया तो dy / dx क्या बताएगा स्लोप। पर ये क्या है क्या लाइन है नहीं ये क्या है कर्व था, ये क्या थी कर्व थी। तो स्लोप किसका बताएगा लाइन का बताएगा नहीं किसका बताएगा कर्व का। क्यों कर्व को डिफरेंशिएट किया पर मांगा तो लाइन का गया टेंजेंट का गया। तो मैं क्या करूंगा आप सोचो dy / dx स्लोप ऑफ कर्व यहां तक समझ में आता है। मैंने dy / dx किया तो स्लोप ऑफ कर्व आया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। किस पे बोला गिवन पॉइंट पे तो पॉइंट दिया हुआ है बिल्कुल दिया हुआ है। किस पे बोला एट 2,4 पे 2,4 को जैसे ही पुट कराऊंगा dy / dx कितना आएगा 6 * 2 - 4 8 आ गया मेरे ख्याल से। तो ये 8 क्या हुआ स्लोप ऑफ कर्व। मैं ऐसे लिखूंगा पूरा लिखना तो इस क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं स्लोप ऑफ कर्व जो कर्व का स्लोप था इज इक्वल टू क्या हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। मांगा टेंजेंट का स्लोप था तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। किस पे बोला एट गिवन पॉइंट पे कौन सा गिवन पॉइंट बताओ जरा 2,4 पे इज इक्वल टू क्या हो गया 8। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया सोचो 8। ये मीनिंग है इस टॉपिक का ये बताया गया। अगला रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 2 आराम से नोट कर लो। फिर करना डिफरेंशिएट कर्व को ही पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में जो 10th में नहीं करते थे। 10th में हमने लाइनों को डिफरेंशिएट किया तो स्लोप निकाला वहां स्लोप ऑफ लाइन था तो यहां भी स्लोप ऑफ लाइन ही पूछा गया। टेंजेंट एक लाइन ही होती है पर दी होती है कर्व तो कर्व को डिफरेंशिएट कराओगे तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे आ गया किसका स्लोप आया कर्व का। पर कर्व के पास तो अपना कोई स्लोप होता ही नहीं। जो कर्व का स्लोप होता है वो वही होता है कि गिवन पॉइंट दिया उस पे टेंजेंट प्लॉट करो जितना एंगल बनाएगा स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। जो ये एंगल थीटा होता है एप्रोक्सीमेट इसी के इक्वल होता है जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो आप लोग ये दोनों थीटा एप्रोक्सीमेट सेम होते हैं। तो क्या हो गया स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। किस पे बोला एट अ गिवन पॉइंट कौन सा पॉइंट जिस पॉइंट की बात कर एक्स तो दिया हुआ था मैंने वाई निकाल दिया वैसे जरूरत तो नहीं पड़ी वाई की इसलिए दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में से वाई दिया नहीं निकालना तो आप निकाल भी सकते क्योंकि पॉइंट तो दोनों से ही बनेगा ना सीसा से और ऑर्डिनेट से ये मतलब है।
दूसरा रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन की निकालते थे जो पास होता है 1 पॉइंट से, दूसरा रिजल्ट। इफ टू लाइंस, इफ अ लाइन या टेंजेंट, जहां यहाँ लाइन लिखते थे हम प्लस वन या टेंजेंट, और नॉर्मल भी एक लाइन होती है आ सकते हैं। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक लाइन पैरेलल होती थी याद करो एक्स एक्सिस के, ये एक्स है वाई है, अगर एक लाइन पैरेलल होती थी तो थीटा जीरो होता था, स्लोप होता है टैन थीटा, टैन ऑफ जीरो, नहीं तो सीधा रिजल्ट लिखवाए हुए देन, नहीं तो यहाँ याद करो प्लस टू में अगर अभी आपको रीजन अभी भी नहीं पता प्लस वन के, देन स्लोप क्या आ जाएगा जीरो, स्लोप जीरो, एम जीरो, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या आ जाएगा जीरो, रीजन क्या है थीटा जीरो। सेकंड है इफ अ लाइन टेंजेंट या नॉर्मल पैरेलल होगी किसके वाला वाई एक्सिस के, अगर एक लाइन किसके पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, अगर एक लाइन पैरेलल थी एक्स एक्सिस के, अगर एक लाइन किसके पैरेलल हो जाए वाई एक्सिस के, रहने दो सारी बात जाएगी ऐसे मशहूर हो जाओगे यूट्यूब पे, इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के, ये एक्स आ गया ये वाई आ गया, अगर एक लाइन किसके पैरेलल दे रखी है वाई एक्सिस के, तो थीटा कितना होता था सोचो जरा 90 डिग्री, टैन 90 कितना होता था इन्फिनिटी, देन स्लोप क्या होता था सोचो, देन एम इक्वल टू, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/0 जिसको आप बोल सकते हैं। अगला है तीसरा, If two lines are parallel, दो लाइन या टेंजेंट या नॉर्मल आर पैरेलल दे रखी हो, सेम होते थे थीटा सेम होता, रीजन बताने की तो मेरे को नहीं लगता, अभी तो प्लस वन से ढूंढो क्या करवाया गया। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं देन M1 into M2 equal to क्या हो जाएगा माइनस वन, नॉट नॉट ऐसी क्या दूसरे तरफ, सेंस जो टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर टू नॉर्मल होती है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा सोचो, माइनस वन हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा माइनस वन, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा माइनस वन, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया सीधा निकाल देना नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट,
तो एज ऑब्वियस है, वैसे तो हमें पता है, फिर भी मैंने बता दिया, नेगेटिव रेसिप्रोकल गोल ऑफ स्लोप ऑफ पीसा रिजल्ट रिजल्ट नंबर थ्री है। रिजल्ट थर्ड है इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी है, अगर आपको पास होगा पासिंग थ्रू पी एंड स्लोप एम दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पास हो रही है वन पॉइंट से, स्लोप एम दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको फ्रॉम अ पॉइंट से ऑन अ लाइन के ऊपर, तब कैसे निकालते थे, प्लस वन में जैसे निकाला हुआ है, 10.7 में निकालते थे ए एक्स बी वाई सी इक्वल टू जीरो, 90 डिग्री है, तो PM निकालना हो तो तक कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद करो हमने कैसे निकाला है, प्लस X की जगह ये पॉइंट पुट करा देते थे, याद करो Y की जगह ये पॉइंट पुट करा देते थे, X की जगह ये पॉइंट पुट करा देते थे, AX1 BY1 प्लस सी, ए एक्स की जगह क्या आएगा एक्स वन, बी वाई की जगह क्या आएगा वाई, प्लस सी अपॉन एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है, फिफ्थ है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10.5 में एंगल बिटवीन टू लाइंस का, एंगल निकालना है बिटवीन टू लाइंस के बीच में या टेंजेंट के बीच में या नॉर्मल के बीच में, लाइंस टेंजेंट भी होती है, लाइंस नॉर्मल भी होती है, एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में निकालना होता, तो उन लाइनों का अगर स्लोप पता है मेरे को तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता था एन आई इक्वल टू एम वन माइनस एम टू वन प्लस एम वन इंटू लास्ट एंगल बिटवीन टू कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है, हमने अभी तक लाइनों का एंगल निकालना सीखा है, स्लोप लाइन का निकालना सीखा है, स्लोप को कर्व पढ़ा है, कर्व का स्लोप वही होता है जो लाइन का स्लोप होता है, मतलब टेंजेंट का स्लोप होगा एट ए गिवन पॉइंट पे, ऐसी आज हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच में एंगल निकालना, एंगल बिटवीन
टू कर्व्स मीन्स एंगल बिटवीन द टेंजेंट होता है, दो कर्व के बीच में एंगल निकालना, वही स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंगल बिटवीन टू कर्व्स y1 इक्वल टू f1 x1, y2 इक्वल टू f2 x2 इज, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स मीन्स means angle between the tangents के बीच में angle निकालना है। वही angle और tangents add common point of intersection, इसको उसी node से link करके देखो। अगर वो भाई साहब तुम्हारे से किसी question में angle between two curves मांग लेता है तो उसका मतलब ये है कि वो जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या मतलब है, डायग्राम बना रहा हूँ, ये कर्व दे रखा है, ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन कर्व के बीच में निकालना, एक कर्व दे रखी है, एक कर्व दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स means इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन टू कर्व्स दे रखी है, ये भी दो कर्व, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, means जो इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये क्या है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पे है, इस कर्व पे भी है। जैसे थोड़ी देर पहले याद करो क्या बोला था, वहां पे सिर्फ एक ही कर्व थी, सोचो y1 equal to f of x थी, या फिर यहाँ दो कर्व दे रखी है, एक कौन सी दे रखी है, y1 equal to, एक y2 equal to, दो कर्व दे रखे हैं। मुझे क्या करना है, ये स्लोप एंगल निकालना था, ये इसका स्लोप निकालना था, तो कैसे निकाला था, किस कर्व पे कोई पॉइंट गिवन होगा जरूर, उस पे टेंजेंट बनाओ, उसका स्लोप निकाल दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व पड़ा था, यही तो बात यहाँ कहते हैं, वहाँ एक कर्व थी, यहाँ पे कितनी कर्व है, दो कर्व, दोनों कर्व का सबसे पहले क्या निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे, टेंथ क्लास की तरह, ये वाला पॉइंट जो इसमें दिया होता था, ये पॉइंट इसमें गिवन था, इस क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा कैसे, ऑन सॉल्व करके टू कर्व्स को, टेंथ क्लास की तरह, कैसे, टेंथ क्लास में जैसे दो इक्वेशन सॉल्व कर देते ते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पे लाई करेगा बता सकते हो, इस कर्व पे भी लाई करेगा, इस पे भी लाई करेगा। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टेंजेंट प्लॉट कर दो इस पे, इसको नाम दे दो T1 का, कैसे, जैसे इस पॉइंट पे क्या प्लॉट किया, टेंजेंट, सोच लो इसमें एक ही पॉइंट था, टेंजेंट प्लॉट किया, इसका स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या लिखा था, तो अभी दिखाऊंगा, इस पे टेंजेंट निकाल लो, फिर इस पे भी निकाल लो टेंजेंट, दो टेंजेंट बन जाएंगे इसमें, क्यों, एक बनेगी इस कर्व पे और दूसरी क्या बनेगी, दूसरी कर्व पे, पर पॉइंट कौन सा यूज करोगे, सिर्फ एक ही, कौन सा, ये वाला, क्यों, ये कॉमन पॉइंट है, यही पॉइंट कौन यूज होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर लाई कर दे, तो इस पे भी निकालूंगा, तो इसके बीच में जो एंगल होगा थीटा, तो वही एंगल होगा जो दो कर्व्स के बीच में एंगल होगा, जैसे फिजिक्स में पढ़ते स्मॉल एंगल होता है डेल्टा, तो कहने का मतलब एंगल बिटवीन टू कर्व्स means angle between the tangents at common point of intersection, tangent क्या होती है, line है, तो उसका slope आ जाएगा m1, इसका भी slope आ जाएगा m2, निकालने का formula वही रहेगा m1 minus m2, 1 plus m1 m2, सबसे पहले इसी article पे question करा दूंगा, पहले note कर दो, last के दो question है, शुरुआती last से कर दूंगा ताकि आर्टिकल समझ आ जाए, दो कर्व के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने पहला कराया था स्लोप ऑफ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे ही ये करा दूंगा आपके पास, 31st है और भी है इसके अंदर जिसमें हमें निकालते हैं,
हमें 31st करना है। तो नोट कर लो, आर्टिकल एंगल बिटवीन द टू कर्व्स मींस एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे हो बताओ। क्वेश्चन निकाल रहा हूं 30 एग्जांपल 31 सेम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक तो 31 हो भी जाएगा ऑफ एक्सरसाइज 8.2 एलिमेंट्स के। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया ऑफ टू कर्व्स, फाइंड पूछा गया है, रहने दो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स दे रखे, दो कर्व दे रखी है, उसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है। दो कर्व कौन कौन सी दे रखी है, एक दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे यार बस -4x, ये क्या मतलब बने भी ना, ये बंद करवा लो फिर जो मर्जी करो। एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, -2y -9 ये दो कर्व दे। तो आर्टिकल ये लगेगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स मींस एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला आर्टिकल है सॉल्यूशन। एंगल बिटवीन टू कर्व्स मींस एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्व करा दोनों को 1.2 कैसे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, सॉल्व करा लो 1.2 वही बता रहा था क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करा के तो लिखो जरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगला क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉल्व करो, यह आ जाएगा -4x + 8 + 2y = 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा निकाल लोगे कि बताऊँ, 4x = 8 + 2y, x कितना आ जाएगा 4 + y / 2। इसी एक में पुट करा दो 2 4 + y / 2 का होल स्क्वायर, y² - 2y, इस x की वैल्यू को 2 में पुट करो, ये x y निकलने शुरू हो जाएंगे, तो ये कौन से आ जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 4 एलसीएम लेके उधर लेके जा रहा हूँ, 16y² 8y, एलसीएम भी ले रहा हूँ साथ साथ याद है, 4y² 8y 36 = 0, 5y² = 20 आ गया मेरे ख्याल से, y की दो वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को एक एक करके पुट कराओ y को, y को क्या पुट कराओ -2 पुट कराओ, तो इतना x कितना आ जाएगा 4 + y / 2। इसका मतलब ये दोनों कर्व्स दो पॉइंटों पे मिल रही हैं, 4 - 2 इसका मतलब ये दोनों दो जगह जाके मिल रही, एक तो इस जगह मिल रही होंगी शायद, हो सकता है ये कर्व, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 2.3 के 3.2 3.2
एक दूसरा क्या आ गया जहां ये दोनों कर्व्स मिल रही हैं, वो पॉइंट क्या आ गया, 1, -2, दो पॉइंट आ रहे ए और एक। तो दो एंगल निकालने पड़ गए, एंगल बिटवीन टू कर्व्स के बीच में निकालने, दो कर्व के बीच में एंगल निकालना मींस एंगल बिटवीन द टेंजेंट निकालना एट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये मेरे पास क्या आ गए, ये दोनों क्या आ गए, सोचो अभी तक, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे क्या निकालना है, टेन थीटा, टेन का क्या हो गया m1 -m2, 1 + m1 m2। m1 क्या होता है स्लोप, किसका वाला टेंजेंट का, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व एट अ गिवन पॉइंट। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करा के स्लोप निकालूंगा इसके आगे। तो यहाँ के बाद मैं क्या चलूंगा, कॉमन पॉइंट के बाद, ये तो चलो मैंने वैसे ही बताया, अब मैं स्लोप निकालूंगा इधर चलूंगा। कैसे, कंसीडर कर लो वन को, किसी एक इक्वेशन को कंसीडर कर लो, दोनों को सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। टेंथ क्लास की तरह थोड़ा लेंथी होता है पॉइंट ऑफ, इसको घबराना किस बात का, मेथड क्या है, दोनों को सॉल्व करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या कर लो, कंसीडर कर लो वन को, जैसे ही वन को कंसीडर कराओगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करा दो, डिफरेंशिएट कराने से क्या आएगा, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व ही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किस पे बोला, गिवन पॉइंट पे, पॉइंट तुम्हारे पास आया है ये भी और ये भी, एक एक करके पुट करा देता। अब इसको क्या करा दो, डिफरेंशिएट, तो ये क्या आ जाएगा, 2x थोड़ा ड्रैग करो, 2y - 4, तो dy/dx कितना आएगा, 4 - 2x / 2y। किस पॉइंट पे चेक करा लो, एट 3, 2 पे चेक करा लो, तो dy/dx कितना आ जाएगा, सोच लो, 2 - 3y - x कितना है, 3y2। तो ये क्या आ गया, m1 आ गया। m1 क्या मतलब हो गया, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व ही क्या हो गया, सोचो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किस पे वाला, एट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले एक पॉइंट ले लिया फिर दूसरा पॉइंट ले लूंगा, स्लोप ऑफ कर्व ही क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना आ गया, स्लोप ऑफ कर्व -1/2। ये क्या बन गया तुम्हारा m1। m1 कैसे निकालते हैं, कर्व को डिफरेंशिएट कराओ तो क्या आ गया, स्लोप, किसी पॉइंट पे चेक करो, स्लोप ऑफ क्या बन गया, टेंजेंट, ये क्या अभी तक, स्लोप ऑफ कर्व, उस पॉइंट पे चेक कराओगे तो क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस ये करना है पूरी एक्सरसाइज में। अब ऐसे ही दूसरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो कर्व हैं, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आपको भी थोड़ी देर पहले, उसमें एक ही कर्व थी तो एक बार डिफरेंशिएट किया था यहाँ। अब मैं क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा टू, कर लो कंसीडर, कर लो टू को, एक्स स्क्वायर y² + y² - 2y। अब इसको भी डिफरेंशिएट करा दो, 2x - 2y - 2dy/dx। dy/dx क्या हो गया, अब इसको भी किसी पॉइंट पे चेक करा लो, कौन से पॉइंट पे चेक कराना चाहते हो, देखो एट पॉइंट 3, 2, पहले एक पॉइंट को पूरा करो, स्लोप ऑफ करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, -3 आएगा, देखो यार हमारा स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किस पे वाला, एट अ गिवन पॉइंट। अब दोनों के स्लोप निकाल लिए तुमने एट ए पॉइंट पे, दोनों के क्या निकाल लिए तुमने, स्लोप, एट अ किस पे वाला, गिवन पॉइंट पे। अब कौन सा फॉर्मूला लगा दो, टेन थीटा का लगाओ, जरा टेन थीटा का m1 - m2 1 + m1 × m2।
ये पहले लाइन का स्लोप आ गया हमें, ये दूसरी का स्लोप आ गया, क्या बनाएंगे, कौन सा आ गया दूसरी को डिफरेंशिएट करके, क्या फॉर्मूला लगा दो, सोचो क्या फॉर्मूला लगेगा, बताओ जरा क्या फॉर्मूला लगाओगे, बताओ जरा टेंटा का क्यों लग जाएगा, क्या टेंटा का फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों के स्लोप आ गए, टेंटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, M1 - M2 1 + M1 × M2 कितना होगा, -1 + 6/2 2 + 3/2 वन आ गया, टैंटा कितना आ गया, थीटा कितना आ गया, सोचना पाई बाय फोर, ये थीटा कितना, थीटा ही होगा जैसा, ऐसे निकाल अभी मैंने कौन से पॉइंट पे चेक किया था, इस सारे को 3 2 पे, एक और पॉइंट भी तो दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट दिया हुआ था, -1, -2 कि -2 1, -2 यही था ना, अब दूसरे पे चेक करें ना अपने आप, थीटा को मैंने एक पॉइंट पे तो चेक करा दिया था, जब दोनों कर्व काट रही थी दो पॉइंट आ रहे थे, आप ध्यान से देखो, दो कर्व काट रही थी दो पॉइंट आ रहे थे, तो एक पॉइंट पे तो मैंने चेक करा दिया आपको, देखो क्या कह रहे हो, वहीं पे तो निकालना स्लोप पे वैल्यू पुट करा देंगे, वैल्यू पुट करा देंगे, अब क्या कराओगे, अब दो कर्व के दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे थे, एक आ रहा था 3, 2 एक आ रहा था 1, -2 अब 3, 2 की जगह क्या पुट करा दो, 1, -2 तो M1 मिल जाएगा, और ऐसे क्या करा लोगे, दूसरा पॉइंट क्या बताओ, ये तो एक पॉइंट पे निकाला स्लोप, एक कर्व का M1 आ गया, दूसरा भी तो निकाला हुआ M2 ये रहा, अब यहाँ भी पॉइंट कौन सा पुट करा दोगे, 1, -2 यहाँ भी M2 चेंज हो जाएगा, ये M2 आ जाएगा, यहाँ M1 आ जाएगा, जो भी M1 और M2 आएंगे टेंटा में पुट करना, तो दूसरा एंगल निकल जाएगा, पहला क्वेश्चन ये है इसकी इंट्रोडक्शन, ये एंगल दो कर्व के बीच में निकालना है, मींस टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है, किस पे बोला, एट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, फिर कंसीडर वन करना, ये दोनों के कॉमन सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए थे, फिर पहले को डिफरेंशिएट किया तो स्लोप ऑफ कर्व आ गई, एक पॉइंट पे चेक किया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ, ऐसे दूसरे को डिफरेंशिएट किया तो ये क्या बन गई, स्लोप ऑफ कर्व, इस पॉइंट पे चेक किया तो स्लोप ऑफ कर्व ही क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बस फिर तो फॉर्मूले में कुछ करना था, फर्स्ट है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकाल, एक्सरसाइज शुरू करा दी मैंने, फिफ्थ पार्ट है फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, पाई बाय टू निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ कर्व भी स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, थीटा कितना दिया हुआ है पाई बाय टू, सॉल्यूशन डी वाई डिफरेंशिएट करा दो कर्व को, डी वाई बाय डी एक्स आएगा, पैरामेट्रिक फंक्शन है, वाई भी थीटा में एक्स भी थीटा में, डी वाई डॉ वाई ए ए
वन माइनस कॉस टा की साइन टा हो जाएगी, वन माइनस कॉस थीटा। तो भैया ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ कर्व आ गया। किसी पॉइंट पे चेक करा लो किस पे भला थीटा की वैल्यू पाई बाई टू है, ये क्या आ गया स्लोप ऑफ कर्व, टैन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, साइन पाई बाई टू वन माइनस कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, वन माइनस जीरो। स्लोप ऑफ कर्व ही क्या आएगा, स्लोप ऑफ कितना आना शुरू हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो वैसे ही बता दिया था, क्या था स्लोप ऑफ नॉर्मल, नेगेटिव रेसिप्रोकल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। हर एक में ये लॉजिक लगने, स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। थोड़ा सा दिमाग से चलो तो क्या दिक्कत है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। हर एक क्वेश्चन का एक ही लॉजिक, स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ, दी पूरे क्वेश्चन में कर्व दी हुई है, सब क्वेश्चन में से आप डिफरेंशिएट कराना है। जैसे ही आप डिफरेंशिएट कराओगे स्लोप ऑफ कर्व आ जाएगी आपके पास, जो कर्व आएगी एक पॉइंट पे चेक करा लो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। थर्ड ओके, फिर खाना मैंने थोड़ा खिलाना है, ये कह रहा है लेके आओ जिसको भी लग रही है खा लो साथ साथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की निकालनी, फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस, यहाँ लाइन वो टेंजेंट का काम करेंगी, सोच लेना, विद स्लोप माइनस वन दिया हुआ है। दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, बोल दिया आगे देख लो, दैट आर उसमें दैट का मतलब लाइन से मतलब है, दैट का मतलब लाइन, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। y equals to x minus 1। तो भाई अगर मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे चाहिए होगा पासिंग पॉइंट और x दो। स्लोप तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कर्व दे रखी है, देखो y equal to 1 upon x minus 1। मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है और लाइन क्या है वो टेंजेंट, इसका स्लोप क्या दिया है माइनस में, बस पासिंग पॉइंट नहीं पता है। अगर पासिंग पॉइंट पता हो तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन की क्या होती है, जो पास होगा एक पॉइंट से एंड जिसका स्लोप होगा एम टेंथ प्लस वन क्लास वाई माइनस वाई वन। स्लोप स्लोप तो पता है मुझे गिवन है, पासिंग पॉइंट नहीं पता, जहाँ से पास हो रहा है ये नहीं पता, फाइंड करने ही है, क्रॉस नहीं फाइंड करने, ये पॉइंट फाइंड कैसे करूँगा, एक ही लॉजिक होता है। ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ कर्व, वही स्लोप ऑफ कर्व किसके को ला देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के, वहाँ से पॉइंट निकलने शुरू हो जाएगी। एक ही लॉजिक लगने 32 के 32 क्वेश्चन में, जितने भी जिसकी बुक में, जिसमें 28 हैं, किसमें 30 हैं, 32 हैं, मेरे वाले में 31 है, 32 सॉरी, तुम में देखो कितने दिए हुए, इसमें 35 भी हो सकते हैं, बहुत पुरानी हो गई। कंसीडर कर दो वन वाई इक्वल टू, डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू अपॉन वी भी लगा सकते हैं, ये थोड़ा मैंने बताना है कैसे डिफरेंशिएट कराऊंगी, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, डी बाई डी एक्स और बी छोड़े, तो ये क्या आ गया डी बाई बाई डी एक्स, ये क्या निकल गया स्लोप ऑफ कर्व। हमें पता है जो स्लोप ऑफ कर्व होता है वही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या निकल गया स्लोप ऑफ कर्व, वी नो दैट स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू क्या होगा, वी नो दैट स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू क्या लगेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना आएगा बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस वन। तुम्हें कैसे पता, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है स्लोप दिया हुआ माइनस वन, स्लोप ऑफ कर्व कितना बताओ, स्लोप ऑफ कर्व का स्लोप माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर,
स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की दो वैल्यू आ गई, पुट करा लो इन वन में, वाई इक्वल टू वन अपॉन, पुट करा लो एक्स को जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो कॉमा माइनस, एक्स को टू पुट करा लो, तो ये कोई दो पॉइंट आ गए, लिख दो टेंजेंट की इक्वेशन, ये मतलब है इसका। तो ये पॉइंट निकल गए, स्लोप तुम्हें पहले से ही पता था क्वेश्चन में माइनस वन, तभी तो तुमने दोनों को इक्वेट किया था, स्लोप ऑफ कर्व ही क्या आ गई थी स्लोप ऑफ टेंजेंट, बस ये लॉजिक लगाया है, स्लोप ऑफ कर्व ही क्या आ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या निकाल दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पास किससे हो रही है बताओ, जरा पासिंग पॉइंट देखो कितना दिया हुआ है एंड स्लोप कितना दिया हुआ था याद है किसी को, वाई माइनस वाई, ऐसी दूसरी भी निकाल दो आल्सो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पास किससे होगा देखना, जो दूसरा पॉइंट दिया हो तो टू कॉमा वन एंड स्लोप कितना दिया हुआ है माइनस वाई माइनस वाई वन, स्लोप एक्स माइनस एक्स वन, ये दो लाइनों की इक्वेशन आएगी, थोड़ा सिंपलीफाई करो, फिफ्थ छोटा टेंथ तक होमवर्क में करने हैं, फिफ्थ करा लो, और इन क्वेश्चनों को जितना खुद कराओगे वो ज्यादा ठीक रहेंगे, वो ज्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे आपके साथ, आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था टाइम तो आपके नहीं, खुद ही अपने आप को इवेल्युएट करने का निकालना है, पता तो ये नहीं कल को क्या होने क्या नहीं, तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। फिफ्थ, एट व्हाट पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया गया, किस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बस कंडीशन लग जाएगी, पॉइंट निकालना है एट व्हाट पॉइंट, कर्व दे रखी एक्स क्या वाई स्क्वायर, एट व्हाट पॉइंट, पॉइंट बताना है तुम्हें जहां टेंजेंट जो होगी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखी है, तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखी है, पता है कंडीशन क्या होगी, स्लोप क्या हो जाएगा सी, कंसीडर कर लो वन को, सेंस टेंजेंट किसके पैरेलल दे रखी है, देयरफॉर स्लोप क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करा दो वन करा दो, टू एक्स टू वाई माइनस टू फोर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, बाकी सब को उधर ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स आगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखी है, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा वन माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस टू,
सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयरफॉर स्लोप क्या आ जाएगा जी, गया तुम्हारे वाले 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई बस पुट करा दो इन वन में, यहां से y की वैल्यू निकालो, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर y स्क्वायर 2 इंटू 1 4 इंटू y वन वाई स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर वाई प्लस वन वाई कॉमन आ जाएगा, वाई की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू फोर आ गई, तो एक्स वन है तो पॉइंट कौन कौन से आ गए, वन कॉमा जीरो वन कॉमा, ये वो पॉइंट आ गए जहां टेंजेंट किसके पैरेलल आ जाएगी एक्स एक्सिस के, अगर y एक्सिस के पैरेलल होती तो इन्फिनिटी।